मैं कांता कर्दम जो राज्य सभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 1 जुलाई से बालिका सुरक्षा और जागरूकता के लिए कवच नाम से अभियान चलाया, जिसमें पुलिस बल, रक्षा विभाग सहित अन्य संस्थानों ने 10 से 17 वर्ष की बच्चियों से सीधा संवाद किया और खुद शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की ट्रेनिंग दी। इस तरह की ट्रेनिंग हर स्टेट में होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश आपके संसद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं राज्यसभा की सांसद कांता कर्दम जी। मैम, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी राजनीतिक पारी से। कहां से शुरुआत हुई, क्या प्रेरणा थी, वो क्या इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आप राजनीति में आगे बढ़ी? थोड़ा ससुराल का माहौल था, हस्बैंड अपना सोशल वर्कर बहुत थे, राजनीति में भी बहुत रुचि रखते थे वो, तो हमारे पहले से ही उनका बहुत मतलब शौक रहा है एक बार सामाजिक सेवा करना, ये सब करना, राजनीति का ये सब। तो घर का माहौल ऐसा था तो उसी की वजह से हम लोगों के पास भी मतलब आना जाना और हमारा भी आना जाना लोगों के साथ में मतलब बैठना रहता था। लेकिन वहीं से मैं भी बहुत एक्टिव रहती थी और हस्बैंड भी आके बताते थे कि आज मैंने ये किया, बाहर है कोई भी सामाजिक मुद्दा होता था, दलितों का बहुत ज़्यादा मतलब मुद्दे होते थे उस समय, तो बहुत ज़्यादा लोग उठाने वाले नहीं होते थे ये है, तो उनके लिए कोई बात होती तो वो उसके लिए बोलते थे, आगे आते थे, उनके मुद्दे उठाते थे उसमें है, जिस तरह भी उन्हें इंसाफ मिले हैं वो भी वो काम करते थे। तो ऐसे मेरे पिताजी भी इसी तरह से वो थे कि कहीं भी कोई बात आती है सामाजिक या कोई भी है, बहन बेटी की कहीं कोई बात आती है, कुछ भी इस तरह से मुद्दे होते थे तो वो भी आगे बढ़ चढ़ कर वो भी बहुत मतलब मदद करते थे लोगों की। जहाँ मैं रहती थी वहाँ जो मेरा मैका वहाँ केवल दलित समाज के ही 90% लोग रहते हैं, तो उन्हीं के बीच में मैं पली बड़ी, तो वो सारी चीज़ें, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि कहीं भी बहुत दिक्कत है और किसी को ज़रूरत है कुछ है तो हमारे परिवार के लोग मदद करने में सबसे आगे रहते थे उसमें। तो वैसे ही माहौल मुझे ससुराल में भी मेरे को मिला। तो हमारे यहाँ क्या था कि कुछ ऐसी कुछ गतिविधियाँ हो गई मेरठ में, बहुत सारी चीज़ें 87 की बात है ये, तो ऐसा था तो वहाँ पर क्या है कि मुझे मजबूरी में मुझे बाहर निकलना पड़ा, तो उस वजह से मेरा बहुत सेवा का कार्य मेरा बहुत रहा वहाँ, तो बहुत सारे लोग घर छोड़कर भी मेरठ से चले गए वहाँ, तो आपस में झगड़ा, एक दंगा बाहर से लोगों ने जय हिंदू मुस्लिम ये सब करके, तो हम ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहे लेकिन हुआ उस समय ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सभी लोग थे उसमें, तो हम लोग काफ़ी मदद करने का ये सब काम करने का ये सब रहा। तो मैंने क्या है कि वहाँ पर लोगों की मदद किया, लोगों की जैसे बाहर निकल कर मैंने मदद की वहाँ, बाहर जाकर हस्बैंड करते थे तो मैं भी उसमें करती थी, तो मुझे मतलब घर पे ऐसा रोक टोक नहीं था तो मेरा भी एक शौक सा बन गया, तो मुझे ऐसा देखा उन्होंने सब काम कराना, कभी स्कूल में जाके बच्चों के लिए ड्रेस बांट दिया, कभी उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमने सब वहाँ दे दिया, या कहीं बस्ती में हम लोग चले गए तो वहाँ मदद करी आए, ये सब हमारा ये रहता। तो ऐसे सब करते हुए देख के तो एक मैं सेवा भारती एक उसमें मैं उसमें जुड़ी, तो फिर दलित बस्ती हैं जहाँ पर वहाँ हमने स्कूल खुलवाए जहाँ बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते थे जिस तरह से पढ़ना चाहिए था उस तरह से, और लड़कियों का तो बिल्कुल ही ऐसा था कि लड़कियों को भेजना भी उस समय बहुत अच्छा नहीं समझते थे, और हमने सोचा कि हम ऐसी बस्ती में ही स्कूल खोलेंगे सेवा भारती की तरफ से, जिससे कि बच्चे पढ़ने आए उन्हें प्रेरणा मिले, हमको इसके लिए घर घर जाना पड़ेगा और हमको जो इनकी माँ है महिला है उन्हीं से हमें बात करनी पड़ेगी। तो हमने ऐसा ही किया, फिर घर घर जाकर हमने उनसे बातचीत करी, हमने थोड़ी जगह तलाशी वहाँ पर कि हमें एक बैठने के लिए ऐसे एक जगह ऐसा चाहिए, फिर हमने उनको समझाया सब महिलाओं को बैठा के कि आपको कितना भी आप बिजी हैं लेकिन बच्चों को स्कूल में भेजिए, उनको पढ़ाइए, लड़का है चाहे लड़की है दोनों को देखिए पढ़ाओगे
तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए शिक्षा से जो सीखने का मिलता है और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिलती है, तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझिए, आप खुद महसूस करती होंगी कि मैं साथ शिक्षा ले लेती, मैं पढ़ती इसमें, तो फिर बच्चों की तरफ आप ध्यान दो, बच्चों में ही अपने आप को देखो। फिर मैंने वो स्कूल वहाँ एक जगह मैं लिया, फिर थोड़ा थोड़ा अपना बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। फिर ऐसे कुछ लड़कियाँ थीं स्कूलों में, कॉलेजों में, जो मैं जिन्हें जानती थी, मैंने उनसे कहा कि आप जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी आप दे सकते हैं टाइम, एक घंटे का, दो घंटे का, तो आप स्कूल में आकर वहाँ दीजिएगा। तो उन्होंने अपना आना शुरू किया और वो पढ़ाना शुरू किया। तो अच्छा, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते काफ़ी जगह, मतलब पहले शहरी क्षेत्र में, फिर ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ हम लोग गए। तो इससे क्या है कि बच्चे भी वहाँ बहुत आने लगे और एक काफ़ी जगह इस बात का भी प्रचार हो गया कि मतलब एक महिला है, मतलब वो सब लोग है, एक ग्रुप बनाए हुए हैं और बच्चों को शिक्षित करने का, ये सब क्या है, उनकी मदद करने का। महिला को कोई दिक्कत होती है, महिलाओं के साथ जैसे मारपीट कर दिया या दहेज का केस होता था उसमें, तो हम लोग मदद के लिए आगे खड़े रहते थे। तो ये सब करा तो फिर पॉलिटिकल भी लोग वहाँ पर आने लगे कि भई SSM पार्टी में काम करिए, अच्छा रहेगा। महिला भी बहुत कम होती थी उस समय पॉलिटिक्स में, तो बहुत कम थी। तो मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की ही कुछ महिलाएं आई वहाँ पर हैं। और मेरे यहाँ का जो माहौल है, वो जहाँ मैं रहती हूँ, वो सीट जनसंघ की सीट भी जीती हुई सीट है। हाँ, हमारा मेरे घर के पास में ही रहते हैं जो जनसंघ से जीते थे, MLA बने थे, और पास ही में था उनका। तो काफ़ी माहौल जो है वहाँ इस तरह का था उसमें। तो फिर वहाँ सब लोगों का यही विचार बना कि आप महिला उसमें आए कि पॉलिटिकल, उससे भी थोड़ा हमारे से। तो ऐसे ही रुचि अपना बढ़ गई और फिर काम करते रहे, उधर भी करते थे, अपना सेवा का काम भी देखते थे, पॉलिटिकल में जो भी काम था रही। और सबसे बड़ी बात है कि ससुराल से बहुत सपोर्ट मिला, ससुराल से और पति का, सास का, तो ससुर तो थे नहीं लेकिन घर में जितने भी पड़े थे सबका। और वही नहीं, जो भी दलित समाज के या अन्य और भी समाज के वहाँ सभी लोग रहते थे, सामूहिक सभी लोग, तो सब ने बहुत ही मतलब मदद किया वहाँ। तो बहुत अच्छा था वहाँ जहाँ भी हैं, तो काफ़ी लोगों ने, हमने ऐसा नहीं है कि हमने दलिती या हिंदू बस्ती में ही, हमने मुस्लिम बस्ती में भी ये सब ये काम किया उस समय, जो ना पूरी हमने मदद करी कि ये लेकर आए। महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे थे, हमने जो उनके भी सॉल्व किए वहाँ पर, जो सिलाई करने वाली महिला थी उनको भी मशीन दिलाना, ये सब करना। तो अनेकों बहुत सारी चीज़ सामाजिक उससे बढ़ते चलेगी। पता नहीं मैं कैसे कैसे आगे, मुझे ही नहीं पता चलेगी मैं इतना आगे बढ़ती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना सक्रिय होने के बाद रास्ता खुला दिल्ली के लिए, दिल्ली की संसद के लिए, कैसा था वो दिन जब आपको पता चला और क्या प्रायोरिटीज रही तब? पार्टी ने बहुत मुझे सम्मान महिलाओं को देती है और मुझे भी बहुत सम्मान दिया, बहुत सम्मान मेरे को भी दिया शुरू से। मैं अब वहाँ से, मैंने एक बूथ स्तर से मैंने शुरुआत की है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक अम्बेडकर बिल्डिंग है, वहाँ अम्बेडकर स्कूल है, उसी में बिल्डिंग है, तो वहाँ बूथ से मैंने अपना शुरुआत वहाँ से करी। फिर मैंने वहाँ से, मैं इकाई से मैंने शुरुआत करी। एक इकाई का मतलब एक गांव, दो चार गांव जोड़कर एक इकाई बन जाती है। फिर मैंने वहाँ महिलाओं को बुलाना, उनकी पूछना कि आपकी कोई परेशानी है, कोई आपको दिक्कत है, आप कुछ हम आपकी मदद कर सकते हैं, ऐसे करके मीटिंग लेना, ये सब करना, वहाँ से शुरुआत करते हुए आगे मैं बहुत सारी मुझे जिम्मेदारी जैसे जैसे मिलती रही वैसे वैसे मैं आगे बढ़ती रही। तो बहुत सारे मतलब मैं बिल्कुल ज़मीनी से मैं चली हूँ वहाँ से। तो वहाँ बाढ़ में महानगर है, फिर ग्रामीण क्षेत्र में मैं जैसे आई, मैंने ग्रामीण क्षेत्र में देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ महिलाएँ बहुत ज़्यादा नहीं बाहर निकलती थी। तो मुझे मौका मिला तो मैंने महिलाओं को, बहुत महिलाओं को मैंने जोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में कि इनको भी, आप लोगों को भी आना चाहिए इसमें, आप खेतीबाड़ी संभालती हैं, पूरा घर को भी संभालती हैं, आप भी आगे आएंगी तो गांव की प्रधान बनेंगी आप, BDC मेंबर बनेंगी आप, ब्लॉक प्रमुख बनेंगी आप, पंचायत की सदस्य बनाएंगी, पंचायत की अध्यक्ष भी आप बन सकती हैं। तो बहुत सारे गांव के ऐसे ये सब चीज़ें रहते हैं, कोऑपरेटिव में भी आप जा सकते हैं, सेक्टर में भी जा सकती हैं आप आगे, मतलब थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे मतलब बढ़ सकती हैं, आप लोगों के अपने गाँव की भी मदद कर सकती है। तो आप लोगों को भी आना इसमें आना चाहिए। तो ऐसे कर
हमें लगता कि हम जिस गांव में भी गए हम सदस्य के लिए बनाने के लिए, तो हमसे महिलाएं जुड़ती चली गई वहाँ, तो बहुत अच्छा मतलब लगता था उनके साथ में काम करना भी। और काफ़ी क्षेत्र में जब मैं जुड़ी थी तो उस समय उत्तराखंड और हमारा यूपी एक था, तो हमने काफ़ी पहाड़ों पर भी हम लोगों ने काम किया। जैसे जिम्मेदारी मिली बड़े एरिए की तो वहाँ पर भी हमने काम किया, पूरे प्रदेश में ही मौका मिलता रहा हमें काम करने का। जैसे जैसे पार्टी सम्मान देती रही वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहे। मुझे चुनाव भी लड़ाया 2007 में लड़ाया, तो मुझे अच्छे मतलब पदाधिकारी मुझे बनाया प्रदेश में। आप देखिए मैं प्रदेश स्तर पर मैं मंत्री रही हूँ, उपाध्यक्ष मैं तीसरी बार उपाध्यक्ष भी हूँ, राष्ट्रीय परिषद की सदस्य रही हूँ मैं आगे, और हमेशा सम्मान पार्टी देती रही। और मुझे नहीं पता था कि पार्टी मेरे लिए इतना भी सोच रही है, इतना अच्छा मुझे मौका मिलेगा। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी को आप जानते ही हैं, तो उनकी सोच है कि महिला को आगे बढ़ाना। राज्यसभा के विषय में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं बनारस एक शादी में मैं गई थी, तो बनारस में पहुंची तो वहाँ मुझे फ़ोन आया कि आप राज्यसभा में आप मतलब जा रही हैं और आप जो है ऐसे तैयारी करिए और आप लखनऊ पहुँचिए। तो मैं एकदम अचंभित रह गई कि मैं राज्यसभा में, मैंने ऐसे बोला कि मैं राज्यसभा में जा रही हूँ कि हाँ आप राज्यसभा में जा रही हूँ। तो मुझे बहुत ही मतलब एक अपना मतलब मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा, एक मैं भावुक भी हो गई कि मैं राज्यसभा में जा रही हूँ। तो मुझे केंद्र से ही मुझे फ़ोन गया था यहाँ से, तो फिर लखनऊ में गई, तो सारी प्रक्रिया जो होती है वो हुई और मैं राज्यसभा में आई। मैं कांता करदम जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मोदी जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ हैं मैं उनके आशीर्वाद से, और मैं कहती हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से, और सब मेरे बड़े हैं उनके आशीर्वाद से, मेरे घर में भी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी मम्मी हैं, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने सभी उन्हीं का आशीर्वाद ये फला है तो मैं आज यहाँ संसद में हूँ। बिल्कुल, क्योंकि हम संसदीय आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं? एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर मैंने अक्सर देखा है कि आप महिलाओं के मुद्दों को सबसे ज़्यादा तरजीह देती हैं, दलितों के मुद्दों को, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपने फोकस किया है, जिनकी आवाज़ आपने संसद में उठाई है? देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो मुझे लगता था कि बहुत ज़रूरी हैं तो मैंने यहाँ उठाए, और ज़रूरी तो बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें, तो महिलाओं के हैं और एससी एसटी के मुद्दे थे और दलितों के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ उठाने की आवश्यकता थी यहाँ, वो मैंने उठाए हैं। उनको इस तरह से उनको भी थोड़ा सा इंसान वो मिलेगा, राहत मिलेगी बहुत सारी चीज़ों पर। मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दलितों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं है, वो क्यों नहीं है? और नहीं तो आप भी पढ़ लो, आप अपने क्यों नहीं मिल सकता है? उनका मन नहीं है उसमें पढ़ने के लिए? आप अपना सवाल करें, उनका मन नहीं है क्या पढ़ने के लिए उसमें? अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ना चाहते हैं या जाए में पढ़ना चाहते हैं दलित समाज के छात्र, तो उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्या? तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं है ये? कमिटी में आपका कैसा पार्टिसिपेशन रहता है? आप कई कमिटीज़ में रह चुकी हैं, फिलहाल पेट्रोलियम कमेटी में हैं, किस तरह का पार्टिसिपेशन? मैं राजभाषा उसमें भी हूँ, मैं पार्लियामेंट्री राजभाषा है राज्यसभा, उसमें मैं उसमें भी हूँ सदस्य। और जब मैं आई थी यहाँ पार्लियामेंट में तो तीसरे चौथे दिन ही कोई मतलब मुझे स्थान दे दिया गया था उसमें पेट्रोलियम कमेटी में। उससे पहले मैं समाज कल्याण में भी उसमें भी थी, तो बहुत सारा काम करने का मौका मिला वहाँ पर भी, जो दलितों के मुद्दे थे या एसटी के मुद्दे थे, तो काफ़ी सारे चीज़ों को उनको मिला उठाने का, और अभी भी काफ़ी सारे हैं। और मैं 100% देना मैं मतलब समझती हूँ कि 100% कमेटी को देना चाहिए, कहीं कोई भी एक आध बार कोई परेशानी रही होगी या कोई दिक्कत रही होगी तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं 100% मैं ज़्यादातर मैं देती हूँ उसमें, मैं वो करती हूँ। और जो समाज में एससी वेलफेयर में सदस्य उसमें भी हूँ, तो
उसमें भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं कि दलितों के मुद्दे आते हैं कि वहाँ पर उनके साथ कोई घटना हो गई है या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ कोई परेशानी हो गई है या कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें वहाँ उठाने का मौका भी मिलता है। कमेटी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनके लिए हम लोग करते हैं इसमें हैं। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि जो बाल्मीकियों के मुद्दे हैं वहाँ, तो जैसे सीवर में घुसकर वो पूरा सफाई करते हैं, ये सब उसमें करते हैं, तो इसमें उनको ना करनी पड़े है। हालांकि हमारी सरकार ने, मोदी जी ने इसको बहुत ही मतलब गंभीरता से लिया, हर देखिए कितने मुद्दे यहाँ पर भी उठे हैं इसमें हैं, और इससे उसको छुटकारा मिले इस तरह से वो एक मशीन के द्वारा भी पूरी ये साफ़ सफाई करने के लिए पूरी मशीनें भी उनको दी गई हैं। लेकिन कहीं कहीं अभी भी आ जाता है, जैसे हमारी कई स्टेटों में सरकार नहीं है तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उनसे कि आप ऐसा करो, तो ऐसा कहीं देखने को मिला तो हम अपने से अपने उठा कर कि यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए यहाँ, तो उनको वहाँ पर भी वो सुविधा मिला इस तरह से उनको भी ये कराने का। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं तो वो भी सारी चीज़ें हम लोग वहाँ उठाने का भी, हम लोगों को बताने का भी हमें मौका मिलता है। तो कमेटी के माध्यम से काफ़ी चीज़ें हैं जो हम करना है। जिस कमेटी में मैं अभी मैं बता रही हूँ, एस सी वेलफेयर जो कमेटी है, उसमें भी काफ़ी हैं सब चीज़ें। तो हमारा यह है कि कहीं भी दलित काम कर रहे हैं जहाँ पर भी है, तो उनको भी वो सम्मान मिले, उनको वो हक मिले, उसकी भी चिंता ये लोग करें, किसी भी है चाहे किसी भी सेक्टर में है, ये सब जगह उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम बुलाते हैं, अलग अलग उससे बुलाते हैं, सरकारी अपने बैंक होगा या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सरकारी उसको बुलाते हैं, सारे ऑफिसों को बुलाते हैं, अलग अलग ऑफिसों को, उनसे पूछते भी हैं कि जो वैकेंसी हैं क्या उनको उस तरह से मिला है जो उनको हक मिलना चाहिए, उस तरह से आप भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, या उनको भी बुलाते हैं। उनकी जो एक कमेटी बनी हुई होती है सभी जगह, उनका अपना समिति बनी हुई है, पहले उनको हम बुलाते हैं उसमें, तो उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में कर रहे हैं सरकारी, उसमें कि आपको वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो उनसे पूछते हैं, उसका भी समाधान करने का पूरी कोशिश रहती है कि उनको ये मिले। और हम ऐसे कहीं भी जाते हैं कमेटी के उससे, तो हम देखते हैं कि हम गांव में भी जाते हैं, गांव में वहाँ जाते हैं, एक पंचायत बुलाते हैं वहाँ पर, और पंचायत में भी हैं कि यहाँ गांव में जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो गाँव तक आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो वहाँ भी जा कर देखते हैं। वहाँ भी एक मैसेज भी जाता है, देखिए पूरे इलाके में उसमें है, और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वहाँ, तो महिलाएं हैं वहाँ, किसी तरह की कोई परेशानी है कुछ, तो उनसे भी पूछते हैं आप किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्या है बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने से बता सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर। केंद्र सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं रहती हैं, तो आप उसके माध्यम से अपना रोज़गार भी, आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, जैसा मोदी जी की सोच है, एमएसएमई सेक्टर है, खादी ग्राम उद्योग है, उसमें भी बहुत सारी हैं, तो जानकारी नहीं रहती है, तो वो भी सब चीज़ें वो वहाँ बताने का भी ये सब काम करते हैं, ये सारे हैं। और स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है स्कूलों में भी, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि कहीं किसी तरह से भी कोई भी दिक्कत देती है कि यहाँ से ये चीज़ नहीं मिल रही है या इनको इनको इंसाफ नहीं मिला, तो उनको मिले वहाँ पर, तो चीज़ें वो सारी चीज़ें हम लोग ये सब उठाते हैं कमेटी के। और पेट्रोलियम का है तो पेट्रोलियम का भी यही रहता है कि मेरा ये था कि मैं 100% में दूँ। मैंने पहले भी बोला कि कहीं कोई समस्या होती है तो कहीं क्लास भी कर जाता है कई बार, तो कहीं है नहीं तो मैं 100% देने की। बिल्कुल, आप अपना 100% डेडिकेशन देती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर कमेटी हो या फिर जनता की आवाज़ उसको संसद तक पहुंचाने की बात हो। मैम, आप हमसे जुड़ी, आपने ये पूरा अपना पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। जी धन्यवाद, आपको भी है कि आपने बहुत सारी जानकारियाँ आपने ली हैं, और मैं और अच्छा करूँ ये भी मेरा रहेगा। और सबसे बड़ी धन्यवाद तो मैं देना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि मुझे यहाँ तक लाने में उनका बहुत आशीर्वाद मेरा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, आप देखते रहें संसद टीवी, नमस्कार।